हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिविल सिविल टेप का इस्तेमाल बताऊंगा कि कपड़ा अगर कट जाता है या फट जाता है तो उसको किस तरीके से आप लगा सकते हैं और ये कहां से मिलती है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले ये टेप को मैं इन्फॉर्मेशन बाद में दूंगा, आप सबसे पहले इसको अभी अलग रख देते हैं। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाऊंगा ध्यान से देखें और समझें। मान लीजिए हमारा ये कपड़ा है, कहीं पे कील में कहीं आप जा रहे हो, कहीं कील लग जाती है या हल्का सा कपड़ा फट जाता है, कैंची लग जाती है, तो क्या होता है दोस्तों, कपड़ा ऐसी जगह से फट जाना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रफू भी नहीं हो सकती, क्या करें। तो ये देखिए, मैं आपके सामने इस तरीके से कट मार दे रहा हूँ, ये मैंने सीधा कट मार दिया, आप देख सकते हैं इतना बड़ा हमारा कट है और इसमें खिंचाव भी है, ठीक है। मतलब खींच सकता हूँ मैं आराम से, तो मैं आपको खींच के दिखाऊंगा। और दोस्तों, जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ खींची जाती है तो निकल के भी वो आती है। तो मैं देखिए इसमें आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसे सेट करेंगे। तो ये वेस्टेज कपड़ा मैंने लिया था, इसमें मैंने कट लगा दिया। अब आप ध्यान से देखें, जितना बड़ा कट है आपको उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिविल सिविल टेप जो होती है इसको लेना है और यहाँ कर लेना है इसको कट। ये मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे ऊपर की साइड से मैं थोड़ा कपड़ा निकाल लेता हूँ। कितना कपड़ा निकालना है, टेप से थोड़ा सा चौड़ा, जो कि एक अंदाज़ा मेरे को है, तो मैं यहाँ पे कटिंग कर लेता हूँ। टेप से चौड़ा होना चाहिए बस ये। तो ये देखिए दोस्तों, टेप से चौड़ा है। अब लंबाई में थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा बस, ठीक है। ये देखिए लंबाई में मैं इतना बड़ा ले लेता हूँ। अब ध्यान से देखना किस तरीके से चिपकाया जाएगा। तो दोस्तों, प्रेस को आपको गर्म कर लेना है, इतना गर्म ना करें कि आपका कपड़ा जल जाए, गर्म इतना करना है कि अच्छी तरीके से बस चिपक जाए। तो ये देखिए, आपको प्रेस लगानी पहले इसके ऊपर, ताकि थोड़ा वो जो भी रेसे वगैरह, क्योंकि मैंने कट लगाया कैंची से तो सफाई से लगाए, अगर आपका कहीं पर कील में फट जाता है लगने के बाद कपड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा, रेसा होगा। तो आप रेसे को कैंची से कट करके इसको अच्छी तरीके से बराबर से ऐसे मिला लें। ये देखिए जैसे मैंने मिलाया है, इक्वल मिलेगा तो दोस्तों अच्छी तरीके से आप इसे चिपका पाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे इक्वल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ मैंने मिला दिया है। अब मिलाने के बाद जो टेप हमने कटिंग करी थी उसको हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने टेप को ऐसे रखा। अब जो कपड़ा कटिंग कर रहा था दोस्तों, वो कपड़ा लेंगे और कपड़े को बिल्कुल एक बराबर इसके बराबर ऊपर रखेंगे। तो देखिए, मैंने ये रख दिया। रखने के बाद दोस्तों, इसको हम प्रेस लगाएंगे, उल्टी तरफ से लगाना है हमेशा ये टेप को, और ऐसे करके आप लगाएंगे। याद रखें, अगर कपड़ा नहीं रखेंगे तो ये टेप ना आपकी प्रेस में ही चिपक जाएगी, इसलिए आपको इतना लेना है कि प्रेस पे ये टेप नहीं चिपकनी चाहिए। और आप इसे ऐसे रख के प्रेस को थोड़ी देर के लिए और दबा के रखें। दबाने से क्या होता है दोस्तों, ये टेप के अंदर एक गम फॉर्मूला होता है, जो कि देख रहे हैं आप कितनी पतली है, ये आपकी कपड़े के रेसे रेसे में घुस जाता, पिघल जाता है गर्माहट की वजह से। तो प्रेस गर्म होगी तो अच्छी तरीके से पिघल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से चिपका दिया और सीधी साइड से भी आप इसे प्रेस कर लें थोड़ा, और ध्यान से आप देखें तो इस जगह पे मैंने कपड़ा मिला दिया था, बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन इस जगह पे थोड़ा मिलाया नहीं, तो आपको पास से दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखिए, आप गैपिंग देख सकते हैं और इधर मिला हुआ था, तो इधर पता ही नहीं चला कि कपड़ा कट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाने के बाद आपको कपड़ा जब लगाना है तो कपड़े को एक एक बराबर मिला लेना है। अब देखिए, बिल्कुल दोस्तों चिपक चुका है, और मैं आपको बताता हूँ कट कहाँ पर था। तो दोस्तों, ये आपको निशान डाल के दिखा रहा हूँ मैं, ये हमने निशान डाल दिया दोस्तों, इसके बीच में कट है। अब मैं इस कट का दिखाता हूँ, देखिए बिल्कुल सही है, हमारा कपड़ा इधर पीछे की साइड से जोड़ा था। अब मैं इसे खींच के दिखाता हूँ पूरी जान से, तो इसकी मजबूती आप देख सकते हो। अब दोस्तों देखिए, आप सोचो कि फिटिंग में जो लेडीज़ फिटिंग सूट पहनती हैं वो कमर के पास से फट जाए और वो सोचे कि रिविल सिविल से चिपका लें, तो दोस्तों अगर ज़्यादा जोर पड़ेगा तो कोई भी चीज़ रिविल सिविल टेप भी वो नहीं रोक पाएगी, क्योंकि रेसा होता है। लेकिन अगर कोई दामन में या बाजू में कोई ऐसी जगह पर कटता है जहाँ पे मतलब आपका खिंचाव नहीं पड़ता, तो दोस्तों आपका कपड़ा फट जाएगा, मतलब आप पक जाओगे पहन पहन के, लेकिन आपकी ये टेप नहीं हटेगी। अब इसका मैं आपको खींच के दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखें। इसी चौक के बीच में आप देखना, पूरा जान लगा रहा हूँ मैं, और ज़्यादा जान लगाऊंगा तो दोस्तों कपड़ा हाथ में आएगा ही। तो ये मैंने जान बहुत लगाई दोस्तों, और आप देख सकते हो पूरी ताकत लगाने के बाद भी कपड़ा नहीं खींच रहा, क्योंकि अगर रेसे में आपके घुस गया तो दोस्तों ये आप खुद घर पे यूज़ करना। आप सोचो कि वीडियो में शायद नहीं पता चल रहा जान, तो आप कपड़े की हालत देख सकते हो, इसे आप अपने घर पे यूज़ करना, तब आपको पता चलेगा। और मैं इसके ऑपोजिट साइड में खींच रहा हूँ ताकि जोड़ आराम से चिर जाए, लेकिन बहुत ताकत लगानी पड़ रही है और अभी तक बिल्कुल नहीं खींचा, खींचेगा ज़रूर, मैं और कोशिश करता हूँ।
नहीं दोस्तों नहीं खींच रहा। तो ये है रिवील सील की ताकत। तो आप देख सकते हो कितनी मजबूती के साथ दोस्तों ये चिपक गया। तो ये आप इस तरीके से कभी भी कोई भी कपड़े को आराम से जोड़ सकते हो। अब दोस्तों आती है इसकी इन्फॉर्मेशन कि ये कहाँ से मिलती है। ध्यान से देखना और समझना, मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, कोई भी कंफ्यूज मत होना, बहुत आसानी से ही मिल जाती है। तो दोस्तों इसकी पहचान सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप नेट पर सर्च करते हो रिवील सील टेप तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों ये एक चाइनीज टेप है। आप देखेंगे इसकी किसी गत्ते पे, आप देखो काफ़ी पुरानी मेरे पे रखी हुई है, काफ़ी गंदी भी होगी धूल मिट्टी चढ़ के। तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई नाम नहीं है, कोई मार्क नहीं है, चाइनीज़ चीज़ है। तो चाइनीज़ चीज़ होने के कारण दोस्तों यहाँ पे कोई भी लेवल वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो नेट पे सर्च करने में किस नाम से डालें, तो हम तो इसे रिवील सील कह के दुकान से ले लेते हैं। अभी किस दुकान पर मिलता है तो ये भी समझ लो। एक आपने देखा होगा कोट को, कोट के अंदर एक अस्तर लगता है, यानी कोट का सामान जहाँ मिलता है, या जेंट्स टेलर का, जैसे लेडीज़ टेलर मटेरियल वाली दुकान होती है जहाँ से आप धागा लाइनिंग लेके आते हो, इसी तरीके से जेंट्स का भी सामान मिलता है जहाँ पे कोट वगैरह मिलता है दोस्तों, उस दुकान पे बहुत आसानी से ये मिल जाती है। और ये फ्लिपकार्ट वगैरह पे कई लोगों का मैंने कमेंट देखे थे तो वो कहते हैं फ्लिपकार्ट पे भी मिलती है, लेकिन दोस्तों वहाँ 400 रुपये। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, ये आपकी 25 रुपये की है और आपकी देखिए पहचान इतनी हल्की होती है ये, ठीक है, देख सकते हो हम, और काफ़ी ज़्यादा होगी, कम से कम ये मेरे हिसाब से तो 40-50 मीटर होगी। और दोस्तों ये आपको बहुत आसानी से मिल जाती है 25 रुपये की, फ्लिपकार्ट वगैरह पे ये चीज़ नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी जगह हैं कि आपके आसपास वाकई में नहीं मिलती ये चीज़, तो आपको मैं एड्रेस बता रहा हूँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप आसानी से इसको ले सकते हैं, और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो दोस्तों ये आपका पड़ेगा सीलमपुर शांति मोहल्ला गली नंबर 17 में, जो मटेरियल वाले होते हैं जिनका धागे टिच बटन वगैरह मिलते हैं उनके पास आप बोलोगे रिवील सील चाहिए, तो बस आपको रिवील सील टेप बोलना है दोस्तों, इस तरीके की पहचान करके आप इसको ले सकते हैं। तो ये तरीका है दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे जो 400 रुपये का 500 रुपये का दिखाते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी इतनी महंगी नहीं है, ये सिर्फ आपकी 25 रुपये की मिलती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और इसका यूज़ आपको मैंने दिखाई दिया कि कितना बढ़िया है, यानी कि कभी गलती से आपका हल्का सा कभी ऐसा, तो ये तो मैंने बहुत बड़ा कट दिखा दिया, आपका कभी कभी गलती से इतना ही कट लग जाता है, और ऐसा हमारे साथ हुआ है, किसी कस्टमर के इतना कट लग गया था दोस्तों, हमने रिवील सील टेप लगा कर ली, आज तक सूट नहीं आया, उस बात को 1.5 साल हो चुका है। तो दोस्तों इस टेप के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, तो आप इसको आराम से परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।